तो आपका यही टॉपिक नहीं रहा हो रखा है या बाकी हो रखे बस यही रह चुका चलिए ठीक है आपकी तो भी चीजें खत्म हो जाएंगी ओके गवर्नर गवर्नर राज्यपाल ओके अब हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 152 टू तो आर्टिकल 167 इन जनरल कुछ लोग टू भी कहते हैं ओके उसमें गवर्नर का प्रोविजंस दे रखा है ऑफिस एंड अदर प्रोविजन दे रखा इसी में आपके एक इंपॉर्टेंट जस्ट प्लस आई पीपल इसी में एक इंपॉर्टेंट फ्रेज दे रखा है डेट गवर्नर शाल होल्ड ऑफिस द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद ग्रहण करेगा अगर हिंदी में बोले तो ओके तो यहां पे वर्ड प्लेजर और हिंदी में प्रसाद तो, तो मेरी हिंदी की स्पेलिंग रॉन्ग हो ओके ओके तो प्रसाद पर्यंत या प्लेजर पे ही कंट्रोवर्शी सबसे तो पहला चीज हो जाती है क्या गवर्नर टोटली प्रेसिडेंट क्या एक एजेंट के रूप में काम करेगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति किसके कहने पर काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहने पर काम करेंगे तो क्या टोटली गवर्नर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल काम करेगा तो क्या गवर्नर एजेंट हो गया ठीक है तो यहां का ये क्लास चैप्टर आपके प्रीलिम्स भी इंपॉर्टेंट है मेंस भी इंपॉर्टेंट है मतलब इट इज क्योंकि यहां से आपका एक तरीके से हाईकोर्ट तो फिलहाल खत्म कर लिया था पर स्टेट लेजिस्लेचर यहां से स्टेट एग्जीक्यूटिव शुरू हो रहा है स्टेट स्टेट एग्जीक्यूटिव इसके बाद इमरजेंसी और फिर आपके भाई इलेक्शन एंड ऑल दो मतलब आपके पॉलिटी लास्ट लेग की शुरू हो जाएंगी ठीक है तो हम पहले टॉपिक को तो उठाते हैं टॉपिक को देखते हैं कि गवर्नर की क्या क्यों ये पोस्ट बनाई गई गवर्नर की ओके अब अरे नहीं 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 प्रसाद परियेन का मतलब ये नहीं है प्लेजर मतलब राष्ट्रपति के जब तक राष्ट्रपति का हाथ है तब तो तक आप पद पर प्रसाद परियन का मतलब ये है राष्ट्रपति का हाथ है तब तो तक आप पद पर राष्ट्रपति ने हाथ खींच लिया आप पद से गए होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अब यहाँ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के आशीर्वाद से आप हैं राष्ट्रपति ने अपना आशीर्वाद हटा लिया आप हट गए यहाँ इम्पीचमेंट का यहाँ इंपीचमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रिलेशन ही नहीं है यहाँ इंपीचमेंट हाँ, गवर्नर रहेगा वो तो रहेगा। यहाँ उसका इंपीचमेंट नहीं ठीक है अब पहला क्वेश्चन अब पहला टॉपिक आता है समझिएगा पोस्ट ऑफ गवर्नर इज क्रिएटेड अभी मैं डिक्टेशन आ जाऊंगा डिक्टेशन में आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी ओके पर पहले समझ लेते हैं गवर्नर की पोस्ट क्रिएट क्यों की गई तो क्यों की गई हाँ भाई जी देखिए क्लास गवर्नर की पोस्ट अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ब्रिटिश पीरियड में भी गवर्नर्स थे पीरियड में गवर्नर थे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी गवर्नर का प्रोविजन था सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी गवर्नर का प्रोविजन था ओके okay, बट तब ब्रिटिश पीर, ब्रिटिश रूल था तब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अलग था ओके okay. अब क्वेश्चन आता है वाई आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नर पोस्ट वॉज कैप्ट आजादी के बाद गवर्नर की पोस्ट क्यों रखी गई किस वजह से रखी गई समझिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप किताब उठा के देख लो कहां डिस्कस किए गए क्या होता है किताबों में गवर्नर गवर्नर हमारे आर्टिकल 152 से 167 तक है पार्ट सिक्स में है गवर्नर ऐसे पॉइंट होता है गवर्नर गवर्नर ये एमॉलूमेंट हैं गवर्नर इस इससे ओथ लेता है बस यही दे रखता और क्वेश्चन अगर ये कर लिया है तो फिर स्टूडेंट के बाद दिक्कत आज कहां से पढ़े ये तो दे नहीं रखा किताबों में एक किताब बता दो ये सब दे रखा कहीं नहीं दे रखा क्लास किताब ओके तो ये समझिए ये जी जो चीज समझा, समझा रहा हूं आपको चीजें क्या है ओके अब देखो क्लास हमारे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिशेज मेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन सेंटर एज वेल एज इन स्टेट हमारे क्या संसदीय व्यवस्था है केंद्र में भी और राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था है अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर क्या है समझिएगा क्लास वन ऑफ द फीचर ऑफ पार्लियमेंट्री फॉर्म ऑफ कॉमेंट इज प्रेजेंस ऑफ टू एग्जीक्यूटिव दो कार्यपालिका होती है वो दो कार्यपालिका कौन होती है वन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नामित कार्यपालिका एंड अदर इज रियल एग्जीक्यूटिव रियल असल कार्यपालिका एक नामित एग्जीक्यूटिव होती है और एक रियल एग्जीक्यूटिव होती है ठीक है अब सेंटर में एग्जीक्यूटिव कौन होता है प्रेसिडेंट सेंटर में रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है प्राइम मिनिस्टर एंड उनका मंत्रिमंडल सेंटर में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है प्रेसिडेंट है सारे नाम सारे काम किसके नाम पे लेके किए जाएंगे प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाएंगे तो प्रेसिडेंट रियल है बट असल काम करेगा कौन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल yes. तो वो रियल एग्जीक्यूटिव है अब क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोथ सेंटर और स्टेट दोनों में ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में का पहला फीचर होता है कि दो एग्जीक्यूटिव होंगे नॉमिनल और रियल तो नॉमिनल सेंटर में हो गए प्रेसिडेंट और रियल और और रियल एग्जीक्यूटिव होगा प्राइम मिनिस्टर इसी तरीके से स्टेट्स में स्टेट्स में नॉमिनल हो गया गवर्नर और रियल हो गया चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ऑनलाइन yes, स्टूडेंट समझ में आ रहा ना yes. तो सेंट हमारे पहला क्वेश्चन जो मैंने गया था कि गवर्नर का पोस्ट क्यों क्रिएट किया गया तो गवर्नर का पोस्ट बॉस द क्रिएशन ऑफ गवर्नर गवर्नर पोस्ट वॉज अन बगैर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होगा तो गवर्नर रखा, रखा गया क्योंकि सेंटर में प्रेसिडेंट है अब प्रेसिडेंट चुना जाता है गवर्नर अपॉइंट होता है गवर्नर चुना क्यों नहीं जाता हाँ भाई ये तो लक्ष्मीकांत ने भी दे रखा है तो हो सकता। uh, nominal... हाँ बोलिए यस क्लैश हो सकता है सर दोनों के बीच में अगर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों चुने जाएंगे तो चुने जाएंगे तो क्लैश हो जाएगा ओके उसमें मतलब real executive वो है इलेक्टेड uh, okay. उस स्टेट का भी नहीं होता है जिस स्टेट का वो है मतलब जिस स्टेट को बिलोंग करता है उस स्टेट का गवर्नर भी नहीं बन सकता से भी बढ़ सकता है ओके okay. नहीं ये तो फिलहाल अलग चीज है ओके okay. हाँ भाई और कुछ कोई कह रहा था ओके okay. देखिए क्लास अब पहला क्वेश्चन होता है पहले तो ये तो पहले चीज क्लियर हो गई होगी ये ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि स्टेट इन ऑर्डर टू तो हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टेट देयर शुड बी अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब एक नामित कार्यपालिका होनी चाहिए और वह नामित कार्यपालिका किस रूप में है गवर्नर के रूप में ओके okay? और वो नामित कार्यपालिका दैट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज गवर्नर अब दूसरा प्रश्न उठता है डेट वाय गवर्नर इज अपॉइंटेड बट नॉट इलेक्टेड लाइक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है गवर्नर अपॉइंट होता है ओके तो इसका पहले पहले चीज समझ लीजिए क्लास प्रेसिडेंट पूरे कंट्री का रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट भारत के लोगों का रिप्रेजेंट करता है तभी कहा जाता है ना कि भारत का फर्स्ट सिटीजन कौन है प्रेसिडेंट है, हैुड वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट सेकंड सिटीजन अगर uh, okay? so, कोई को तो सम... हाँ, तो नहीं है तो, हाँ, तो, तो no स्पाउसा तो। स्पाउस, so, आप आपने ले लिया ओके अब प्रेसिडेंट क्यों भारत के भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है अब क्यों भारत के लोगों को प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है इसकी क्या जरूरत पड़ी समझो क्लास में आपको बेसिक चीज बता रहा हूं जो किताबों में नहीं है और उसके बगैर पॉलिटी आप नहीं समझ पाओगे लोकसभा ने कानून पास किया राज्यसभा ने कानून पास किया तो भारत के लोग को भी तो वो कानून पास करना पड़ेगा तो भारत के लोग इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं लोकसभा राज्यसभा और सारे स्टेट्स की विधानसभा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट किसके थ्रू इलेक्ट हुआ भारत के लोग भारत प्रेसिडेंट किसको किसको नॉम वो करता है रिप्रेजेंट करता है द पीपल ऑफ इंडिया महामहिम तभी तो कहा जाता है वो भारत के सारे पीपल को रिप्रेजेंट करता है भाई हम और आप दो जगह वोट देते हैं ना लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा तो विधानसभा के लोग भी प्रेसिडेंट में भाग लेते हैं लोकसभा के लोग भी प्रेसिडेंट में भाग लेते हैं और साथ ही साथ राज्यसभा के लोग भी प्रेसिडेंट में भाग लेते हैं विधान परिषद के लोग नहीं भाग लेते प्रेसिडेंट में तो प्रेसिडेंट जनता को रिप्रेजेंट करता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है तो जब संसद कानून बनाती है और प्रेसिडेंट जो कि जनता को रिप्रेजेंट करता है उस कानून पे हस्ताक्षर करता है तो ये माना जाता है कि जनता ने वो कानून पास कर दिया समझ में आया क्लास इसलिए प्रेसिडेंट की जरूरत है कई बार आप लोग सोचते हो कि जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाता हूं या चीजों को सुनते हो कि प्रेसिडेंट तो रबर स्टैम्प है तो प्रेसिडेंट क्यों है प्रेसिडेंट का होना भी इसलिए जरूरी है कि बगैर प्रेसिडेंट के कानून कौन पास करेगा समझ में आया उसी की ठीक मिरर इमेज हमारे के यहां क्लास स्टेट में है गवर्नर जैसे कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव सेंटर में प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है गवर्नर पर क्वेश्चन आता है कि गवर्नर अपॉइंट क्यों होता है इलेक्ट क्यों नहीं होता इसके कई रीजन है हिस्टोरिकल रीजन है ओके okay, जब आजाद हुआ था वो वाले रीजन है और जो अभी कहा था कि क्लैश हो जाएगा एंड ऑल वो भी रीजन है पहला रीजन है अगर गवर्नर स्टेट के भाई गवर्नर स्टेट का होगा तो स्टेट के लोग इलेक्ट करेंगे गवर्नर स्टेट का होगा तो स्टेट के लोग इलेक्ट करेंगे जब गवर्नर स्टेट के लोगों से ज्यादा इलेक्ट हो जाएगा तो विल ही बी सेटिस्फाइड इन द पोस्ट ऑफ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव उसे नामित कार्यपालिका के पोस्ट में वो सेटिस्फाई होगा नहीं सर समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो भाई जब जनता गवर्नर को सीधे इलेक्ट करेगी तो ही विल कंसीडर हिमसेल्फ एज मोर पावरफुल देन चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जनता के तरफ सीधे थोड़ा इलेक्ट होता है सारे एम एल इलेक्ट होते हैं होगा। कैसे, अगर तो गवर्नर किसकेलेक्ट होगा जनता के थ्रू इलेक्ट होगा तो गवर्नर विल कंसिडर स्टार्ट कंसिडर पावरफुलर तो जो अभी पांडे साहब ने बोला था ना कि क्लैश हो जाएगा तो क्लैश हो जाएगा चीफ मिनिस्टर प्लस गवर्नर और वहां क्लैश जबरदस्त होगा जहां पे अपोजिशन में है चीफ मिनिस्टर अलग है गवर्नर अलग है गवर्नर अपनी बात चलाएगा ये तो पहला पॉइंट हुआ दूसरा पॉइंट एन इलेक्टेड गवर्नर जहां पे गवर्नर भी इलेक्टेड हो जनता के द्वारा सीधे और आपके चीफ मिनिस्टर भी इलेक्टेड हो तो सर वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से ही नहीं है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव कहा गया हैड रियल एग्जीक्यूटिव नहीं कहा गया

प्रदेशों में कई स्टेट्स में फिशीपोरस टेंडेंसीज थी सेपरेटिंग टेंडेंसीज थी आज भी हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुछ लोग कहते हैं हम अपना सेपरेट देश लेंगे अरे जरा से हो यार वो इधर उधर चारों ओर से घिरे हुए कैसे चलाओगे देश तो कुछ लोग कहते नहीं है कुछ लोग कहते हैं जैसे रुको यार थोड़ा हाँ यार बेकार आजकल तुम देखते हो ना अब आजकल थी बहुत सारी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज थी जब भारत आजाद हुआ कई देश अपना कई राज्य अपना अलग ही अलग झंडा रहने की नहीं हर हम तो इंडिपेंडेंट हैदराबाद तो इन सब के लिए एक ऐसी सेंट्रल कंट्रोलिंग पावर चाहिए थी जो हर चीज की खबर सेंटर को दे दे तो यहां देखो तो देखो गवर्नर एजेंट का, का काम करता है गवर्नर कौन भेजता है सेंटर भेजता है गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है पर सेंटर भेजता है गवर्नर आपके आ, 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 स्टेट्स में उसका मेन काम है कि जो चुनी हुई राज्य सरकार है वो संविधान के हिसाब से चले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले द स्टेट गवर्नमेंट शुड रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है या कुछ कॉन्स्पेरे चल रही है गवर्नर हर पंद्रह दिन में अपनी रिपोर्ट नाइटली रिपोर्ट भेजता सेंटर को ये चाहे नॉर्मल चल रही हो या नॉर्मल ना चल रही हो गवर्नर का ये सबसे पहले ड्यूटी है हर पंद्रह दिन की रिपोर्ट जाती है सेंटर के पास गवर्नर तुरंत अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि सर द गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और सेंटर फिर फ्री है थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी सिक्स तीन सौ छप्पन स्टेट गवर्नमेंट को हटा राष्ट्रपति शासन लगा सकता है समझ में आया क्लास तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जहां पे जिस कारण से हमने गवर्नर को क्या लिया है अपॉइंटेड लिया नॉट नॉट इलेक्टेड नॉमिनेटेड लिया है नॉट इलेक्टेड लिया समझ में आ गया ना क्लास

implement the whole together federalism. It is not the about the federalism. Federalism separatist ki baat nahi karta है. It is about to check the separatist tendencies. ab jaise for example, I hope you must have go through the go through the sites social sites. जैसे आप लोगों के पास समय नहीं है social sites पर जाने का, पर फिर भी नीचे south में देखो. They want to create मतलब कुछ कुछ section of people हैं सब हैं सब चेन्नई आप people. They want to create a separate south. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया अगर आपने नहीं सुना तो चकित स्टेट्स अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आपके आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु कर्नाटका केरला वो तो कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया की पूरे इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा ग्रोथ सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन साउथ इंडिया का है और देश कौन चलाता है नॉर्थ इंडिया तो करने, करने ये ये अनइक्वालिटी है तो वी वांट इंडिपेंडेंस ओके तो तो हर तो इन इंडिपेंडेंसिपोरस टेंडेंसीज को कैसे चेक किया जाए जब तक तो कोई सेंटर का बंदा वहां पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हो पर ही शुड लुक दैट द मशीनरी इन द स्टेट इज रनिंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियर है तो हम ये नहीं कह सकते हर्षिता कि इट इज कमिंग इट इज चेक इन ऑर्डर टू चेक द कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म रेदर दैन एंड प्रमोट द होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म ओके क्योंकि बिकॉज कमिंग टुगेदर होल्डिंग मेन चीज टू चेक द सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज इन द स्टेट्स क्योंकि हमारे क्या अभी भी इंडिया में ये इस पे कोई फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता वी हैव द मोर रीजनलिज्म हमारे क्या अभी भी रीजनलिज्म है नहीं है जय महाराष्ट्र जय हिंद जय महाराष्ट्र जय हिंद मैं मना नहीं कर रहा आप करिए कुछ दिखा देगी हमारे क्या जय उत्तराखंड ओके तो बट रीजनलिज्म है। हमारे और वो रीजनलिज्म कई जगह बहुत ज्यादा ला जाता है जब रीजनलिज्म ज्यादा हो जाता है तो फिर सेपरेटिस्टेंडेंसी आ जाती है और फिर ये भूल जाते हैं कि छोटा सा एरिया आसानी से कॉन्कर किया जा सकता है फॉरेन पावर्स के अब जस्ट बिकॉज जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ सेपरेटिस्ट जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि हमारा कल्चर और आपके नॉर्थ इंडिया के और बाकी इंडिया के कल्चर से मिलता नहीं तो बट हाउ कैन यू सर्वाइव और उसको फॉरनर जो पावर्स हैं फॉरन पावर्स मतलब जो चाइना वो वो फ्यूल करता है इन सब चीजों को बिकॉज कोई भी देश ये नहीं चाहता कि बगल वाला पड़ोसी शांति से बैठा रहे क्योंकि शांति से बैठेगा तो उससे आगे निकल जाएगा तो द थिंग इज गवर्नर इन सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को भी चेक करता समझ में आ गया ना क्लास पहला अगर गवर्नर इलेक्टेड होगा तो चीफ मिनिस्टर को चैलेंज करेगा जो कि अगर चीफ मिनिस्टर को चैलेंज करेगा तो भैया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी ही नहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव चाहिए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब जिसके पास ताकत कम हो मतलब अगर देखा जाए जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है गवर्नर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है ये क्या है मतलब अगर इन्हो इन्हें हम नॉर्मल सेंस में कहें कि भाई बड़े बड़े समारोह में आते हैं चीफ गेस्ट के रूप में जाके लैम्प को लाइट करते हैं भाषण देते हैं देखते हैं और फिर आराम से रॉयल लाइफ की तरह घर में अपने गवर्नर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस में जाते हैं और आराम से आराम करते हैं ओके okay, तो इनको एक ओहदा दिया गया है राष्ट्रपति हमारे देश के महामहिम राजपाल हमारे राज्य के महामहिम इन्हें सेंटर भेजता कि आप देखोगे कि राज्य की मशीनरी संविधान के हिसाब से चल रही है नहीं चल रही इसीलिए गवर्नर की पोस्ट कंट्रोवर्शियल हो जाती है क्योंकि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है सेंटर अपॉइंट करता है कौन हटा सकता है सेंटर हटा सकता है तो इसमें अगर अगर स्टेट की गवर्नमेंट सेंटर से अलग है तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नर एजेंट है भाई और स्टेट की गवर्नमेंट अगर सेंटर की, की पार्टी की है तो गवर्नर के पास कोई काम ही नहीं है सब स्मूथ कोई टेंशन टेंशन लाइफ है ही नहीं या कहिए एडवेंचरस लाइफ नहीं है मैं टेंशन की जगह एडवेंचरस शब्द ज्यादा बेटर रहेगा वहां पे गवर्नर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और सेंटर का दबाव भी होता है जहां पार्टी जहां पार्टी अलग हो जाती है जैसे राजस्थान या पंजाब अब वहां पे गवर्नर सेंटर के द्वारा सेंटर में गवर्नमेंट दूसरी है स्टेट में गवर्नमेंट दूसरी है समझ में आया क्लास अब यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है क्लास कि वाई जो मैं आपको ये समझाता द पोस्ट ऑफ गवर्नर बिकेम सो कंट्रोवर्शियल गवर्नर की पोस्ट इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों बन गई तो क्लास ये इसके लिए ये आंसर है मतलब यहां से 1967 1967 में इलेक्शन हुए शुरुआत में क्लास स्टेट इलेक्शन और सेंटर के इलेक्शन एक साथ होते थे क्योंकि भारत आजाद तो एक ही दिन हुआ था ना मतलब तो एक ही साथ इलेक्शन सेंटर और स्टेट के होते थे फिर जब अलग-अलग स्टेट्स -अलग में प्रेसिडेंट रूल लगने लग गया तो इलेक्शंस अलग-अलग डेट्स पे होने लग गए ओके okay. 1967 के पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें सेंटर में भी कांग्रेस और स्टेट में भी कांग्रेस गवर्नर जी के पास कोई कार्य नहीं था सेंटर में भी कांग्रेस स्टेट में भी कांग्रेस बस जाते चीफ गेस्ट की तरह जाते लेक्चर देते ओके, और रिपोर्ट भेजते दिया जलाते बस बढ़िया But 1967 इलेक्शन के बाद क्या हुआ कांग्रेस सेंटर में कमजोर हुई थोड़ी कम मेजोरिटी में आई और स्टेट्स में कई रीजनल पार्टीज आ गई स्टेट्स में कई रीजनल पार्टीज आ गई सरकार आ गई कई रीजनल पार्टीज की तो जो स्टेट की थी स्टेट्स में रीजनल पार्टी गवर्नमेंट आ गई अब कांग्रेस इन रीजनल पार्टीज को कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गवर्नर का इस्तेमाल किया। समझ में आया क्लास and this made the post of governor become controversial समझ में online students कोई question तो नहीं है हाँ भाई online students चीजें क्लियर हैं ये नोट कर जा रहे हो या बस देख रहे हो क्योंकि हर लेक्चर यूट्यूब पे नहीं जाएगा हर लेक्चर जहां सोचना वो तो बस भाई ऐसे ही बस थोड़ा क्योंकि मैंने बताया ना मेरे यूट्यूब के लेक्चर का अलग प्रोसेस होगा यूट्यूब में तो बस अभी जब तक वो लेक्चर बन नहीं रहे जो मैं जो चाह रहा था तब तक, तक ऐसी उसको बाकी लेक्चर्स डाल रहा हूँ। ओके। okay? so, कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरे से? सर, अगर, गवर्न, अगर गवर्नर अपना काम करता है तो कंट्रोवर्शियल है और अगर वो नहीं और अगर वो न्यूट्रल रहता है या पैसिव रहता है तो बेसिकली तो वो काम गवर्नर का है ना कि वो राज्य की देखो के हाँ, बिल्कुल 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 एग्जैक्टली एक, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नर का काम कंट्रोवर्शियल है गवर्नर कुछ मामलों में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी ऑब्लिगेशन भी उठाता पर गवर्नर के कुछ एक्शन पासन कंट्रोवर्शियल रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में ही सीधे कह देना गवर्नर को कि मैं नहीं मानता कि आपने आपके पास मेजोरिटी है और इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर रहा हूं अब ये तो कंट्रोवर्शियल है ना तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एस आर बम्बई केस में कहा गया कि गवर्नर को जब कभी लगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी मेजोरिटी खो दी है तो स्टेट गवर्नमेंट से कहे सेशन बुलाइए और आप कॉन्फिडेंस वोट ले लीजिए पहले क्या होता था? गवर्नर की स्टेट पार्टी के पास मेजॉरिटी है या नहीं है ये कौन डिसाइड करता था गवर्नर दिखाता था गवर्नर ऑफिस डिसाइड करता था और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगा ध्यान रखना क्लास जितने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या लेने वाले हैं और किसी का पोवाइट का ऑप्शनल है किसी का कोई पवेट का है तो टॉपिक है पेपर टू का मैं वहां मैंने आपको गवर्नर पेपर टू में नहीं पढ़ाया है पॉलिटी पालिट, में डिटेल से पढ़ाऊंगा तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां गवर्नर हाउस ने मेजोरिटी कहा कि मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है इसलिए इसलिए अब यहाँ पे एक और आ जाता है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आता था जैसी नई सरकार बनती थी वो सबसे पहले पुराने गवर्नर से इस्तीफा ले लेता ले था सारे अपॉइंट पुराने गवर्नर जो पिछली सरकार के दौरान अपॉइंटेड होते थे ये ट्रेंड था पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई मोरारजी देसाई देखो क्लास आज मेरा मेन पर्पज है आपको समझाना क्योंकि नया चैप्टर शुरू हो रहा है पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई देसाई 1977 उसमें जैसी देसाई प्रधानमंत्री बने उन्होंने सबसे पहले आदेश भेजा सारे गवर्नर से क्योंकि इससे पहले गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंटेड थे इंदिरा गांधी के द्वारा अपॉइंटेड थे ये इस सब इस्तीफा दीजिए और गवर्नर के राष्ट्रपति ने क्या किया अपना प्लेशर वापस ले लिया अपना आशीर्वाद वापस ले लिया गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ गया 1980 में फिर से इंदिरा गांधी आ गई इंदिरा गांधी ने भी बिल्कुल डिट्टो वही किया जैसे ही आई गवर्नर सारे गवर्नर से कहा इस्तीफा दे दीजिए सारे गवर्नर इस्तीफा दे दिए उसके बाद 1997 में मतलब 1997 तो 98, 1998, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई उन्होंने सारे कांग्रेस सारे गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दीजिए हम अपने खुद अपॉइंट करते में में भी यही चीज घटना घट जब यूपीए सरकार आई सारे गवर्नर से कहा इस्तीफा दे दिया सारे गवर्नर इस्तीफा दे दिया और एक गवर्नर ने इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं और जब हम सरकार के हिसाब से चल रहे हैं तो हमें इस्तीफा देने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है जस्ट बिकॉज की हमारी जो पहले आइडियोलॉजी थी वो दूसरी पार्टी की थी और जो इस समय हम गवर्नर हैं तो गवर्नर तो न्यूट्रल होता है यहां पे ये सब चीज डिस्कस होगी क्लास एक बार क्लास लेक्चर हो जाओगे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी समझ में आया कोई क्वेश्चन तो नहीं है देखो देखोगाई क्लास में फिर से बोल रहा हूं अभी आ रहा सर मैं केस पढ़ाऊंगा ओके क्लास दो कंडीशन में ही सबसे ज्यादा लोग चुप रहते हैं। पहली कंडीशन या तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है ओके जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछे क्या दूसरी कंडीशन में सब कुछ समझ में आ रहा है तो भैया आपकी कौन सी कंडीशन है पहली कंडीशन है या दूसरी कंडीशन है सेकेंड सब कुछ समझ में आ रहा है वेरी गुड एक्सीलेंट ओके टू सर हाँ हा, बोलिए गवर्नर इज इन प्लेजर ऑफ द कैन यूडिट्यूशन कहता भैया तो सर कैन वी से अब यही चीज डिस्कस करना की गवर्नर ठीक है प्लेजर का प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर तो अब अब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन ये उठता है क्या गवर्नर ये सब चीजें किताबों में नहीं दे रखी होती हैं क्या गवर्नर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो प्रधानमंत्री कभी भी उसे नियुक्त कर सकता है प्रधानमंत्री कभी भी उसको वापस बुला सकता है प्रधानमंत्री कभी भी उसका ट्रांसफर कर सकता है जैसे यहां पे पहले रिजवी साहब थे गवर्नर इफ यू रिमेंबर रिजवी साहब थे यहाँ पे ओके okay. कुरेशी सर है कुरेशी थे हाँ सॉरी 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 कुरेशी साहब थे आई एम सॉरी कुरेशी साहब थे यहाँ पे कुरेशी साहब थे गवर्नर कांग्रेस ने अपॉइंट किया थे जैसे ही मोदी जी आए थे उनको कुरेशी साहब को नॉर्थ ईस्ट भेज दिया था ओके okay. शीला दीक्षित जी को केरला का मोदी साहब ने जब क्योंकि उसके बाद केस हो चुका था फिर जब मोदी साहब आए दो में तो मोदी साहब ने किसी गवर्नर को से इस्तीफा नहीं वापस किया किसी ने लिया बट सबको ट्रांसफर कर दिया कुरेशी साहब थे उत्तराखंड में आराम से दरादून की अच्छी बढ़िया मौसम में थे उनको नॉर्थ ईस्ट भेज दिया उन्होंने शिकायत भी की थी कि मेरी एज को देख के मेरे को बड़ी खराब पोस्टिंग दी गई है तो अब इससे ये अब क्वेश्चन ये आता है क्या गवर्नर सरकारी नौकर है या गवर्नर संवैधानिक संस्था का हेड है भाई स्टेट में तो वो प्रेसिडेंट क्या है प्रेसिडेंट क्या है गाईस? यूनियन एग्जीक्यूटिव है गवर्नर क्या है स्टेट एग्जीक्यूटिव है भैया पीसीएस कल को आप लोग जितने लोग पीसीएस वाले हैं आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा वो गवर्नर की तरफ से मिलेगा पीसीएस का अपॉइंटमेंट लेटर गवर्नर की तरफ से दिया जाता है आई तरफ से दिया जाता तो है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, है तो क्वेश्चन आता है अगर वो स्टेट एग्जीक्यूटिव है तो प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इतना ताकतवर है कि उसे कभी भी उससे पद ले ले सकता है उसका ट्रांसफर कर सकता है इस अगेन सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें डिस्कस की गई ये सब चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी समझ में आया क्लास चलिए लेक्चर और तो कोई डाउट नहीं चलिए क्लास शुरू करते हैं हरिंग डालिए द गवर्नर ऑफ स्टेट द गवर्नर गवर्नर ऑफ स्टेट लिखिए the pattern of government the pattern of government provided for the state is similar to that of central government the pattern of government provided the pattern of gover government provided for the state is similar to that of central government is similar to that of central government first stop the similarity the reason for the similarity sorry the reason for the similarity is that the reason for the similarity is that is that at both levels of government at both levels of government there is parliamentary form of government at both levels of government there is parliamentary form of government in which in which there are two heads in which there are two heads bracket molecular executive in which there are two heads bracket molecular executive a ceremonial head a ceremonial head slash manayay, slash nominal executive and a real head Nominal executive, nominal executive, Namit Karyapalika, nominal executive, and a real head. For the union government, for the union government, presidency, presidency is the ceremonial head, and the real head of the union government is. Is the ceremonial head and the real head of the union government is and a real head of union government is prime minister along with his consular minister and a real head, real head of the prime of the union is prime minister along with consular minister. First stop. on the same pattern on the same pattern the state government is there same pattern the state government is there where governor is the counterpart of the president of india governor is the counterpart of president of india and a chief minister along with his council of minister chief minister along with the council of minister is the real executive in the state is the real executive in the state स्टॉप नेक्स्ट पैराग्राफ आर्टिकल 153 फिफ्टी थ्री टू आर्टिकल वन आर्टिकल 153 फिफ्टी थ्री टू आर्टिकल वन 1 वन मतलब वैसा तो 152 फिफ्टी टू हम लिख लिए वन फिफ्टी टू टू वन सिक्सटी सेवन इन पार्ट सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट सिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डील विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव अब जो बोल रहा हूं प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो बिनोल्ला साहब स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा हाँ भाई जी हाँ हर्षिता उपाध्याय हर्षिता सोन्थियाल आप लोगों से क्वेश्चन है यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है सर प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट तो। बस So okay. क्वेश्चन okay. तो? आएगा वॉट कॉन्स्टिट्यूट यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन आएगा जनरल वाइस प्रेसिडेंट आएगा नहीं आएगा, yes, sir, the... आएगा. पर क्योंकि स्टेट में कोई वाइस गवर्नर होता नहीं है स्टेट एग्जीक्यूटिव में आएगा लिखे क्लास द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं छोटी चीज़ है बच्चों की चीजें भूल जाते हैं आप लोग द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल गवर्नर चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल क्योंकि स्टेट में अटॉर्नी जनरल नहीं होते हैं नहीं एडवोकेट वो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल होता है अटोर्नी जनरल एक ही अटॉर्नी होता है उसके कई जूनियर्स जो होते हैं वो सॉलिसिटर जनरल होता है स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है ठीक है स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है ठीक है तो ये एग्जीक्यूटिव होता है लिखिए the pattern of government in the state is same as that of union in union of government in the state is same as that for the union that is parliamentary system is same as that for the union that is parliamentary system लिखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो गवर्नर का ऑफिस कौन से कानून से बना अच्छा और बस उससे उसके बाद मतलब बस इतना बाद में बना से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिफ्टी एट गुड गवर्नेंस एक्ट वायसराय होगा वाइसराय के नीचे प्रेसिडेंसी के क्या होंगे गवर्नर होंगे लेके क्लास the government of india act 1858 the government of india act 1858 transferred the responsibility of administration of india transferred the responsibility of administration of india from east india company to british crown administration in india from east india company through the British crown first this law this law made the governor of province an agent of the crown made the governor of province an agent of the crown working through गवर्नर जनरल और वाइस रॉय वर्किंग थ्रू गवर्नर जनरल और वाइस रॉय फोस्ट ऑप और वाइस रॉय एक ही है गवर्नर जनरल ऑब्लिक वाइस रॉय गवर्नर जनरल वाइस रॉय को गवर्नर जनरल भी कहा जाता था ओके लिखिए लेटर ऑन थ्रू montague james ford reforms or government of india act 1919 government of india act 1919 made small changes in the provincial government made a small change in the provincial government Provincial government and government with insignificant level of provincial government with insignificant level of responsible government being introduced. Insignificant level of responsible government being introduced.

ऑटोनॉमी विदर्नर विद द गवर्नर बींग रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द गवर्नर गेव प्रोमोशनल ऑटोनॉमी विदर्नर बींग रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ कौंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ कौंसिल ऑफ मिनिस्टर हाउ आर गवर्नर हाउ आर गवर्नर कंटिन्यू टू एक्साइज सबस्टैंशियल डिस्क्रिप्शन हाउ आर गवर्नर कंटिन्यू टू एक्साइज सब्सटैंशियल डिस्क्रिप्शन सब्सटैंशियल डिस्क्रिप्शन फॉर विच ही वॉज अकाउंटेबल डिस्क्रिप्शन विवेका अधिधेन फॉर विच ही वॉज अकाउंटेबल ओनली टू द गवर्नर जनरल और वॉस रॉय फॉर विच ही वॉज अकाउंटेबल ओनली टू द गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय क्वेश्चन लिखिए आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस Next paragraph. After India got independence, for the time being, for the time being, till the new constitution was drafted and adopted, till the new constitution was drafted and adopted, the Government of India Act 1935 was enforced. the government of india act 1935 was enforced तो ध्यान रखना जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तो देश किससे चलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसलिए कहा गया कि भारत कब तक डोमिनियन रहा 25 जनवरी 1950 क्योंकि तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था तो हम रिपब्लिक बन गए थे और फुली बन गया था जनवरी 25 जनवरी 1950 में पूरी तरीके से कानून लागू नहीं हुआ था तो जो थोड़ा बहुत जो व्यवस्था चल रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तक चल रही थी थी इंडिया को आजादी तो मिल गई पर स्टेटस डोमिनियन ही था क्योंकि हम कानून किसका चला रहे थे अंग्रेज का चला रहे थे समझ में आया क्लास ओके लिखे क्लास ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट बली डिबेट्स डिबेट्स वेरियस आस्पेक्ट रिलेटेड टू द वेरियस आस्पेक्ट रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर वॉज डिस्कस्ड वेरियस आस्पेक्ट रिलेटेड टू द इंस्टिट्यूशन ऑफ गवर्नर वॉज डिस्कस्ड

डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर इन दो पे काफी डिस्कस हुआ ठीक है अब जो बोल रहा हूं वो यूपीएससी के हिसाब से प्रीलिम्स है और पीसीएस के हिसाब से मेंस है पीसीएस और यूपीएससी दोनों यूपीएस सा, यूपीएससी से प्रीलिम्स और मेंस दोनों है कभी ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछता पर मेंस में पूछता पीसीएस लिखे क्लास द आइडिया ऑफ इलेक्टेड गवर्नर इज डिस्कार्डेड फॉर द फॉलोइंग रीजन द आइडिया ऑफ इलेक्टेड गवर्नर वॉज डिस्कार्डेड फॉर द फॉलोइंग रीजन पॉइंट नंबर वन इट डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर it defeats the very purpose of institution of governor very purpose of institution of governor as it should be an independent as it should be an independent and impartial constitutional office act should be an independent or impartial constitutional office independent and impartial constitutional office which is not possible which is not possible if the governor is political office which is not possible if the governor is a political office ओके इन जनरल हमारे संविधान को क्या चाहिए था गवर्नर न्यूट्रल रहे बट अगर गवर्नर इलेक्ट होता तो वो पॉलिटिकल ऑफिस हो चुका होता भाई इलेक्शन में तो पॉलिटिक्स होगी होगी जहां इलेक्शन है वहां पॉलिटिक्स होगी भाई सब चुने जाएंगे तो चुने जाएंगे तो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे एलिगेशन एंड उसके चीजें लगेंगी तो फिर तो न्यूट्रल कहां रहा पॉलिटिक्स में आ गया समझ रहे हैं अब जैसे आजकल उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस आने वाले हैं सबसे बड़े राज्य के उत्तराखंड पंजाब टीवी खोलते ही विपक्ष वाले कुछ कह रहे हैं सरकार वाले कुछ कह रहे हैं ओके तो मतलब क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं ना तो पॉलिटिक्स का हो गया बट क्योंकि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो वो तो पॉलिटिकल पोस्ट है तो इसलिए कोई बुरा नहीं मानता बट राष्ट्रपति और गवर्नर राज्यपाल ये एक आपके न्यूट्रल ऑफिस है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है तो इसमें पॉलिटिक्स अलाउ नहीं रहती आप देखोगे विपक्ष जब अपोजिशन पार्टी जब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के के अगेंस्ट जाती है तो किसके पास जाती है राष्ट्रपति के पास से जाती है राष्ट्रपति भवन तक मार्च करते हैं नहीं करते पहले पत्रकारों से बात करते हैं फिर राष्ट्रपति से बात करते हैं फिर पत्रकारों से बात करते हैं हाँ हाँ अब वो चीज एक्चुअली क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके टेरिटरी यूनियन टेरिटरीज में रहता है ओके लेफ्टिनेंट गवर्नर का है इसलिए वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर टू पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन ऑफ गवर्नर पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन द ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड दैट ऑफ द चीफ मिनिस्टर बिटवीन द ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड दैट ऑफ द चीफ मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर मे अराइज एंड कैन पैरालाइज गवर्नमेंट में अराइज एंड कैन पैरालाइज गवर्नमेंट पॉइंट नंबर थर्ड इनकेस गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पोलिटिकल पार्टी इनकेस गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी Governor will not perform his discretionary power objectively. Governor will not perform his discretionary power objectively. Next point, governor can develop his own populist interest. His own populist interest, populist vested interest, V-E-S-T-E-D, vested interest, which can compromise his duties, which can compromise his duties involving Security of state involving security of state, which can compromise his duty involving security of state from internal and external threats, from internal and external threats, security of state from internal and external threats. नेक्स्ट पॉइंट इवन जवाहरलाल नेहरू इवन जवाहरलाल नेहरू साइटेड टू मोर रीजंस साइटेड टू मोर रीजंस टू इग्नोर द आइडिया ऑफ इलेक्टेड गवर्नर साइटेड टू मोर रीजंस टू इग्नोर द आइडिया ऑफ इलेक्टेड गवर्नर ए, इट में लीड टू प्रोवेंशियल सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज इट में लीड टू प्रोवेंशियल सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बी देयर विल बी फार फ्यूअर कॉमन लिंक्स इट इट में लीड टू प्रोवेंशियल सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज

क्वेश्चन आएगा कि हमारे संविधान में इलेक्टेड गवर्नर का प्रोविजन क्यों नहीं है तो दीज आर दिंग्स क्लियर है क्लास कोई डाउट तो नहीं चीजें क्लियर है ओके okay. कोई क्वेश्चन हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी क्वेरीज चीजें क्लियर हैं ओके ऑफलाइन स्टूडेंट्स चीजें क्लियर हैं सारी चीजें तो चलिए क्लास आज की क्लास यहीं पे रोक रहा हूं ठीक है और कल आपके इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास होगी रिशभ सर की चुना जाता है ना तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हो गया वो पॉलिटिकली आई मीन वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो सकता है ना वो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके आपके जो हमारे जो प्रेसिडेंट

अगर जैसे बजट आ रहा है, ले है बजट लेके आ रही है तो वो विप इशू कर देगी पार्टी का मेंबर जो पॉलिटिकल पार्टी ने विप इशू किया उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता अगर अगेंस्ट जाएगा तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी तो इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट बिल होते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट बिल होते हैं चाहे वो थैंक्स गिविंग मोशन हो चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो चाहे वो कॉन्फिडेंस मोशन हो चाहे वो बजट पे हो या कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन हो सरकार या अपोजिशन पार्टी अपनी अपनी विप जारी कर देती है ताकि उनके पार्टी मेंबर्स वैसे ही वोट करें जैसा कि सरकार कह रही है या जैसा कि पार्टी लाइंस कह रही है पर गवर्न बट ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट के चुनाव में विप जारी नहीं होती है प्रेसिडेंट के चुनाव कंसाइंस वोटिंग पे होता है अंतरात्मा की आवाज पे होता है उसमें विप जारी नहीं होती है तो मतलब अगर इस... कोई किसी ने पार्टी लाइन अक्रॉस करके भी वोट दिया है तब भी उसका वोट काउंट होगा तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जिसमें और ऊपर से डायरेक्टली इलेक्शन तो नहीं इट इज हाईली इनडायरेक्ट इलेक्शन हाईली इनडायरेक्ट इलेक्शन हमने लोकसभा को चुना लोकसभा चुनेगी हमने राज्यसभा को चुना राज्यसभा उनमें चुनेगी विधानसभा हमने विदा, लोगों ने विधानसभा तो इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन का कोई बात नहीं है क्या इसलिए ट्रांसफरेबल वोट रखा गया है नहीं ट्रांसफरेबल वोट इसलिए रखा गया है ताकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके ताकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके क्योंकि बगैर बगैर सिंगल ट्रांसफरेबल ठीक है तो आई विल टेक इट दिस थिंग ओके क्लियर है और कोई क्वेरी एनी मोर क्वेरी क्लास कल आपकी आई आर की क्लास है सर की, और मेरी क्लास 545 पे होगी जिसमें मैं प्री गुप्ता पीरियड उठाऊंगा ओके और फिर से कह रहा हूं क्लास अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो एग्जाम में वो डाउट आ जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी मैं बार बार कहता हूं मैं ऐसा फैकल्टी नहीं हूं कि जो डाउट से भागता हूं ओके okay? डाउट हो तो पूछो और संडे को टेस्ट है ज्योग्राफी का कंप्लीट इंडियन फिजिकल एंड आपके वर्ड और आपका कॉम्पिटन हिंदी मीडियम क्या है क्योंकि हिंदी मीडियम से इसलिए कॉम्पिटन है तो क्योंकि हिंदी मीडियम की ज्योग्रफी कंप्लीट हो चुकी है आर्य सर ने लेकर ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है आप भी तो आते हैं शर्ष भी? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ओके okay. ओके okay. तो तो ध्यान रखिए क्लास अच्छी तरह से तैयारी करिए और उसके बाद अगला टेस्ट सेकेंड जनवरी को होगा उत्तराखंड प्लस करंट अफेयर्स ठीक है ओके तो गाइज सी यू टूमोरो एंड स्टडी हार्ड रिवाइज हार्ड रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा ठीक है थैंक यू